अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की जो एक सीरीज़ है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुम जोंसिया, यानी कि ये जो जोन सा ड्रामा है बहुत ही मज़े का है, आप इसको लाजमी देखिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन बंदा हो जाता है। और इसमें लड़की का किरदार ज़्यादा अहम है क्योंकि ड्रामे के अंदर यानी कि नामसुम जोंसिया लड़की है वो यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेट जो उनसे है वो उठा सकती है और उस हवाले से स्टोरी जो उनसे उसके गिर्द गर्दिश करती है, जिसकी वजह से वो अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करती है और उस पावर की वजह से वो बहुत सी यानी कि फ़नी सीन भी बहुत क्रिएट होते हैं इस सीरीज़ के अंदर। और एक जो पुलिस वाला है उसके साथ इसका चक्कर चल रहा होता है, यानी कि दोनों काफ़ी क्यूट भी हैं और दोनों की लव स्टोरी जो उनसी है वो यानी कि इन दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नामसुम जोंसिया हैं ये, इसकी मदर और इसकी जो नानी है वो तीनों को यानी कि पावर मिली हुई होती है ताकतवर होने की, और उसकी वजह से इनका कंपटीशन होता है एक और यानी कि इंसान से जो जो कि खुद भी बहुत ताकतवर होता है। और ये जो स्टोरी है ये इन तीनों के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से नामसुम जोंसिया है वो इस लड़के का मुकाबला करती है और अपनी माँ के साथ मिल के वो इस लड़के को काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक टफ़ टाइम लेती है, जिसकी वजह से आप सब लोग जब इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी अच्छी स्टोरी बनाई गई है, फ़नी भी है और इसमें काफ़ी मूवीज़ एक्शन भी आए गए हैं। और इसके अलावा इसमें यानी कि करेक्टर जो उनसे वो बहुत अच्छे तरीके से यानी कि फ़नी तरीके से भी बहुत ज़्यादा अच्छे जो उनसे वो पोर्ट्रेट किए गए हैं और काफ़ी यानी कि मेहनत भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा की गई है। जाहिर सी बात है कोरियन ड्रामों में मज़ा ही मज़ा होता है, तो आप लोग ये कोरियन जो सीरीज़ है इसको लाजमी देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें यानी कि लड़की का जो बाप है वो भी बहुत यानी कि अच्छा है, करेक्टर है उसका भी काफ़ी फ़नी करेक्टर्स हैं इसके अंदर। और ज़्यादातर स्टोरी जो है वो लड़की नामसुम के गिर्द घूमती है क्योंकि वो यानी कि बहुत ज़्यादा वेट जो उनसे उठाती है, तो वो इस लिहाज से स्टोरीज के गिर्द है।